अग्निवीर के मुद्दे पर भी लोकसभा में सवाल उठाए। उन्होंने जवानों की ट्रेनिंग से लेकर उनको मिलने वाली सम्मान राशि को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें जवाब देते हुए राहुल गांधी के बयानों को गुमराह करने वाला बता दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी संसद में गलत बयानबाजी कर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शुरू हुई लोकसभा में चर्चा तब गर्मा गर्म बहस में तब्दील हो गई, जब राहुल गांधी ने हिंदुओं के हिंसक होने वाला बयान दे दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष राहुल गांधी पर हमलावर हो गया। इससे पहले कि इस मुद्दे पर बहस खत्म होती, राहुल गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे पर बयान देकर एक नई बहस ही छेड़ दी। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों की ट्रेनिंग से लेकर उन्हें मिलने वाले कंपनसेशन पर बड़ा बयान दे दिया। चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? राहुल गांधी ने जैसे ही अग्निवीर के मुद्दे को उठाया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत उनकी बातों का खंडन किया और राहुल गांधी पर न सिर्फ गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया, बल्कि उनके बयान को संसद और जनता को गुमराह करने वाला भी बता दिया और अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शहीद होने वाले जवानों को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। सोमवार का दिन लोकसभा में बेहद गर्मा गर्मी वाला रहा। जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो एक के बाद एक ऐसे मुद्दों पर बयानबाजी की जिससे लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहसबाजी हुई। इस बीच सत्ता पक्ष की ओर से राहुल गांधी के आरोपों का भी जवाब दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।